हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया टुडे आई विल डिस्कस हियर अल्कोहलिक लीवर डिजीज ठीक है हम इसमें इसकी डिफिनेशन टाइप्स इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत देखेंगे तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ also known as hepatitis alcoholic liver disease and alcoholic hepatitis ठीक है alcoholic liver disease क्या होता है समझते हैं alcoholic liver disease नाम से clear है कि हमारी liver damage होगा due to excess consumption of alcohol ज्यादा alcohol पीने की वजह से हमारा जो liver है वो damage होगा वो condition alcoholic liver disease कहलाती है ठीक है डिफिनेशन देखते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल द लीवर लीडिंग टू अ बिल्डअप ऑफ फैट्स इन्फ्लामेशन एंड स्केरिंग ठीक है नेक्स्ट डिफिनेशन देख लेते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज में बी डिफाइंड एज एक्यूट एंड क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ लीवर ड्यू टू एल्कोहल कंजप्शन ठीक है गाइस मतलब हमारे अल्कोहल कंजप्शन की वजह से जो हमारी लीवर है वो डैमेज हो जाए उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए स्केरिंग हो जाए फैट्स का डिपोजिशन हो जाए ठीक है फैट्स जो है बिल्ड अप कर जाए जिसकी वजह से हमारी जो लीवर है वो डैमेज हो जाए प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए ये कंडीशन हमारे एल्कोहलिक लीवर डिजीज कहलाती है या फिर अगर देखिए प्रोग्रेशन ऑफ लीवर डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है हमारा हेल्दी लीवर है उसके बाद फैटी लीवर है फैटी लीवर में क्या होता है फैट्स का डिपोजिशन होता है फिर फाइब्रोसिस लीवर है ठीक है फाइब्रोसिस लीवर है जिसमें लीवर टिश्यू बिगेन्स टू बी रिप्लेस बाई कनेक्टिव टिश्यू ठीक है नेक्स्ट सिरोसिस लीवर है एंड उसके बाद लास्ट स्टेज जो होता है वो लीवर कैंसर है या फिगर देखें गाइज नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज इंक्लूड थ्री स्टेजेस और टाइप्स ऑफ लीवर डैमेज एल्कोहलिक लीवर डिजीज थ्री स्टेज हो सकते हैं उसको थ्री टाइप्स बोल सकते हैं फर्स्ट क्या है एल्कोहलिक फैटी लीवर सेकेंड एल्कोहलिक एंड थर्ड एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस तो फर्स्ट क्या होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर ये हमारा लीवर एल्कोहलिक लीवर डिजीज का फर्स्ट स्टेज है ठीक है इसमें क्या होता है फैट्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है सराउंडिंग द लीवर ठीक है हमारे जो लीवर है उसके आसपास फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है जिससे हमारी जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाती है ठीक है और ये ज्यादा सीवियर नहीं होती लिस्ट सीवियर होती है मोस्ट कॉमन होती है ठीक है नेक्स्ट हमारा है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी लीवर है उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है साथ ही स्वेलिंग भी होती है क्यों होती है एक्सेस एल्कोहल कंजप्शन की वजह से ठीक है और ये जो कंडीशन है वो सीवियर होता है और हार्डर टू कंट्रोल होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल फैटी लीवर ठीक है नेक्स्ट क्या है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस क्या होता है जब जो इन्फ्लामेशन है और स्वेलिंग है वो बहुत लंबे समय से लीवर में है ठीक है बहुत लंबे समय से इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आपकी लीवर में है ठीक है तो उसकी वजह से उसमें स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है वो कंडीशन एल्कोहलिक लीवर डिजीज सिरोसिस कहलाती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी इटियोलॉजी में क्या है एक्सेज एल्कोहल कंजप्शन नाम ही है एल्कोहलिक लीवर डिजीज तो इटियोलॉजी क्या है आप एक्सेज एल्कोहल की कंजप्शन की वजह से और आप इसमें मेंशन uh, कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर डाइट नहीं लेने को विटामिन ई e और विटामिन एक ही की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पैथ्रोफिजियोलॉजी पैथ्रोफिजियोलॉजी क्या है एल्कोहल का कंजप्शन करेंगे ठीक है एल्कोहल तो यहाँ पे एल्कोहल डिहाइड्रोजीनिट की हेल्प से यो एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट होगा ठीक है एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट होगा ऑन द लीवर सेल लीवर सेल्स में ठीक है तो फिर क्या होगा नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट सेल एंड डैमेज ऑफ पैनकाइमल पेरनकाइमल नेक्रोसिस होगा जो हमारे सेल है हमारे लीवर के जो सेल हैं टिश्यूज हैं वो प्रॉपरली डेथ हो जाएंगे नेक्रोसिस ऑफेटो हेपेटोसाइट ठीक है सेल एंड डैमेज ऑफ पैरनकाइमल ठीक है नेक्स्ट क्या होता है फाइब्रोसिस फॉर्मेशन ऑफ हेपेटोसाइट अभी मैंने फिगर में भी दिखाया था आपको कि फाइब्रोसिस फॉर्मेशन होता है से कनेक्टिव टिश्यू वाइट जो टिश्यू होती है वो रिप्लेस करती है नॉर्मल टिश्यू को ठीक है फिर इफ सीवियर अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाता है तो सीरोसिस कंडीशन होता है स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है आपके लीवर में और एल्कोहलिक लीवर डिजीज कंडीशन हो जाता है ठीक है एल्कोहल कंजप्शन करेंगे ADH अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से आपके लीवर में एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट करेगा जो कि नेक्रोसिस करेगा ऑफ हेपेटोसाइड सेल आपके जो हैपेटोसाइड सेल है लीवर के सेल्स से है वो पूरी तरीके से जो टिश्यू है वो डेथ हो जाएंगी डैमेज हो जाएगा पैरकाइमल सेल देन फाइब्रोसिस फॉर्मेशन होगा हेपेटोसाइट लीवर में फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन होगा देन कंडीशन आएगी आपके जो लीवर है उसमें स्कार हो जाएंगे डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से आपका लीवर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस इज येलोइंग ऑफ द स्किन एंड व्हाइट ऑफ द आईज ज्वाइंटेज ठीक है जैसे ज्वाइंटिस में भी क्या होता है आपकी लीवर डैमेज होती है प्रॉपरली खाना नहीं डाइजेस्ट हो जाए ज्वाइंटिस कंडीशन में आप पीलिया आपकी बॉडी येलोइ हो जाती है तो जो उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखने हैं सेम इसमें भी है येलो इस आपकी स्किन हो जाएगी व्हाइट ऑफ द आईज आईज आपकी व्हाइट हो जाएगी नेक्स्ट क्या है लॉस ऑफ एपेटाइट लीवर प्रॉब्लम है खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है आपको ठीक है तो लॉस ऑफ एपेटाइट भूख भी नहीं लगेगा वेट लॉस होगा अगर खाना नहीं खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा नोजिया और वोमेटिंग तो बनी रहेगी एबिडोमिनल पेन होगा फीवियर फीवर uh, होगा फर्टिक और वीकनेस भाई खाना नहीं खाएंगे वेट लॉस हो रहा है वीकनेस भी होगी माल न्यूट्रिशन इज कॉमन इन पीपल विद एल्कोहलिक माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण इंसान को भूख ही नहीं लगेगा वेट लॉस हो जाएगा भाई वीकनेस हो जाएगी वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे ठीक है कॉमन होता है ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिवर डिजीज में माल न्यूट्रिशन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है अवॉइड एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल आप भाई एक्सेस करेंजन ऑफ एल्कोहल को और अपने न्यूट्रिशन डाइट को भी अच्छा रखें ठीक है खाए से क्या क्या डाइ सल्फिरम पोलिक एसिड एंड थान ये सारे ड्रग्स है जो आपके एज ए ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एल्कोहलिक लिवर डिजीज में वर्क करते हैं थैंक यू गाइज आप सबको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपके छोटे एफर्ट से एफर्ट्स हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी थैंक यू गाइज